हलचल टीवी न्यूज। आम जनता को सस्ती दाल मुहैया करवाने के लिए ऑटो मार्केट में खोला गया सरकारी काउंटर बंद कर दिया गया है। काउंटर बंद होने के बाद मार्केट में हालात देखें तो दाल 5 से 10 रुपए तक महंगी होती दिखाई दे रही है। ताजा रेट के अनुसार केवल मसूर दाल छोड़कर अन्य दालें फिलहाल महंगे दामों पर बिक रही हैं। विभाग के अधिकारियों के दावे माने तो उनका कहना है कि मार्केट में दाल के दामों में गिरावट आ गई है, इसीलिए सरकारी काउंटर पर दाल खरीदने लोग नहीं आते। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी जिलों के डीसी अपने यहां सरकारी काउंटर खुलवा कर दाल की बिक्री शुरू करवाएं। दालों के रेट की बात करें तो चना दाल 50 रुपए, मूंग दाल 95 से 100 रुपए, उड़द 120 से 125 रुपए व मसूर दाल 70 से 75 रुपए प्रति किलो रेट तय किया गया था। इस बारे में आम जनता से बात की गई तो लोगों का कहना था कि दाल के काउंटर से इस बारे में जब आम जनता से बात की गई तो लोगों का कहना था कि दाल के काउंटर से सस्ती दाल मुहैया होती थी, लेकिन अब काउंटर बंद कर देने से लोगों को बाजार से महंगी दालों की खरीद करनी पड़ेगी, इसलिए सरकार को चाहिए कि काउंटर दोबारा से शुरू किए जाएं। अभी ना जो प्रशासन द्वारा एक काउंटर खोला गया सस्ती दाल मुहैया कराने के लिए लोगों को, और वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, लोग परेशान हो रहे हैं उसके लिए, तो अभी प्रशासन द्वारा ये दोबारा से शुरू किया जाए। प्रशासन द्वारा एक आने के लिए काउंटर खोला गया, वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है और लोग परेशान हो रहे हैं। दोबारा से सरकार से अपील करते हैं कि ये काउंटर दोबारा से शुरू किया जाए ताकि लोग परेशान ना हों। तो दाल के रेट भी काफ़ी महंगे हो गए जी। दाल के रेट है ना वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। सस्ते रेट पे वहाँ दाल मुहैया कराई जा रही थी, वो शुरू होने से पहले ही बंद करवा दी गई। ऐसा दो महीने तक वो काउंटर चलता रहा, वो हमने ऑटो मार्केट फतेहाबाद में दुकान लेके म्यूनिसपल्टी से और चालू करवाया था। उसके पास कोई उपभोक्ता दाल लेने के लिए आया नहीं, क्योंकि मार्केट के जो रेट थे वो नीचे चले गए थे। इस वजह से मजबूरी वश वो दो महीने तक खाली बैठा रहा और उसके पास कोई भी दाल लेने नहीं आया, जिसके कारण वो बंद कर पाया। फतेहाबाद से हलचल टीवी के लिए जसपाल सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।